कल था फाइनल डे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का और कल काफी कुछ ड्रामा हुआ। कल जीत चुके हैं अब्दुल सतारो नौदिर बैग जीत चुके हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप और वो है इस वक्त महज 17 साल के। तो कार्लसन के लिए दिन पे दिन नए नए कंपटीटर्स आते जा रहे हैं, चाहे वो अलीरेज़ा फिरूजा हो, नौदिर बैग हो या इंडिया से आने वाला कोई यंग टैलेंट। हम लोग हमेशा होप करते हैं कि इंडिया से कोई आएगा। चलिए हम लोग बहरहाल बात करते हैं उस गेम की जिसकी सभी लोग बात कर रहे हैं, अब्दुल सतारो नौदिर बैग वर्सेज मैग्नस कार्लसन राउंड 10। यहाँ पर गेम की शुरुआत होती है इंग्लिश ओपनिंग, लेकिन अगर आप ट्रांसपोज होते हुए देखेंगे तो ये सिमिलर है रॉय लोपेस के स्ट्रक्चर से। b4 बिशप पीछे जाता है और नाइट a4। देखिए सिमिलरली हम लोगों को रॉय लोपेस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हालांकि बिशप यहाँ पर डेवलप्ड होता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिशप g4 और यहाँ पर ओपनिंग में ही ट्रेड हो जाते हैं दोनों बिशप कार्लसन के नाइट के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्लसन के पास है नाइट पेयर बिशप पेयर के अगेंस्ट, नाइट d7 आइडिया यहाँ पर नाइट f8 के बाद नाइट d4 खेलने का, g3 क्वीन f6 तुरंत ही क्वीन ट्रेड रिजेक्ट करते हुए नाइट f8 बिशप g2 और नाइट e6 व्हाइट कैसल करता है। और जैसे ही व्हाइट ने कैसल किया कार्लसन तुरंत ही लॉन्च करते हैं अटैक किंग साइड पर। कार्लसन का किंग सेफ है सेंटर में क्योंकि सेंटर क्लोज है, जब भी कार्लसन चाहे तो वो लॉन्ग कैसल कर सकते हैं, इसीलिए वो अटैक करते हैं किंग साइड पर। बिशप h3 h5 और यहाँ पर आपको अपना बिशप देना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नाइट जो थे काफी स्ट्रॉन्ग थे। b5 नाइट पीछे जाता है f4 क्योंकि देखिए बेस्ट तरीका जो डिफेंड करने का होता है वो होता है अटैक करना, जो कि नौदिर बैग करते हैं। g takes f4 और यहाँ पर चेक अगर आप देने की सोच रहे हैं तो किंग h1 पर सेफ है, इसलिए यहाँ पर नाइट d7 खेला जाता है। आप ये भी कैप्चर नहीं कर सकते, आपका रुक हैंगिंग है। तो नाइट d7 किंग h1 पहले ही अपने किंग को सेफ रखते हुए क्वीन g4 क्वीन f3 और यहाँ पर f6 यहाँ पर क्वीन e3 और ब्लैक लॉन्ग कैसल करता है। f5 किंग साइड पर और एक्सपेंशन रोकते हुए ब्लैक की तरफ से, अब यहाँ पर आइडिया है ब्लैक का दोनों रुक्स को यहाँ पर अलाइन कर पॉन पुश करने का। तो तुरंत ही पहले यहाँ पर h4 के बाद व्हाइट खेलता है रुक g1, क्वीन पीछे हटती है, फिर अपने रुक को g6 पर बैठाया गया है। यहाँ पर कैप्चर के बाद व्हाइट पॉन से कैप्चर करता है, उसका कहना है कि उसके पास एक पास पॉन है क्वीन साइड पर किंग साइड पर, लेकिन वो पास पॉन जल्दी ही लाइबिलिटी बन जाता है क्योंकि उसको अटैक किया जा रहा है, अब आप उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। व्हाइट खेलता है क्वीन h3 और यहाँ पर रुक एक्सचेंज होने के बाद जी पॉन के बदले व्हाइट के पास है एच पॉन, नाइट c5 बिशप c1 और यहाँ पर देखिए पोजीशन फ्री होती है और ब्लैक अपने किंग को सेफ रखता है क्वीन साइड पर। फर्दर धीरे धीरे जैसे एंड गेम होगा ब्लैक अपने किंग को इधर एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर दोनों प्लेयर धीरे धीरे अपने किंग की पोजीशन इंप्रूव कर रहे हैं h3 और सेंटर में स्ट्राइक करते हुए जैसे ही टाइम मिला क्वीन f5 क्वीन फिर से रिजेक्ट होता है ट्रेड, यहाँ पे सेंटर में ट्रेड होता है काफी ज्यादा और फिर खेला जाता है किंग e2। देखिए यहाँ पे व्हाइट तैयारी कर रहा है इस पॉन को प्रमोट करने की बिशप और क्वीन के सहारे, लेकिन ब्लैक क्या इसको कंप्लीट होने देगा। यहाँ पे पहले ब्लैक खेलता है किंग b5 बिशप e3 यहाँ पे चेक आता है और देखिए वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये बिशप और क्वीन चेक करवाने से रोक रहे हैं, पुश किया जाता है पॉन को और यहाँ पर आता है क्वीन f3। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे तो सिंपली ये गेम खत्म है आपके लिए क्योंकि कैप्चर 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 और ये पॉन जल्दी प्रमोट हो रहा है इस पॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए क्वीन f3 के बाद क्वीन पीछे जाती है। यहाँ पे काफी देर देखिए दोनों प्लेयर ट्राई करते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर एक चांस था, यहाँ पर f5 के बजाय कार्लसन तुरंत खेल सकते थे क्वीन कैप्चर्स h5, देखिए तुरंत ही ड्रॉ हो जाता है इसलिए शायद कार्लसन ने ना खेला क्योंकि ये फोर्स ड्रॉ है। तो कार्लसन को लगा होगा कि यहाँ पर कुछ ज्यादा है इसलिए उन्होंने f5 खेला और यहाँ पर काफी देर दोनों प्लेयर ने मनूवर किया पीसेस को, चेक आते हैं काफी ज्यादा और उसके बाद हमारे पास है सबसे कॉम्प्लेक्स एंड गेम क्वीन वर्सेस पॉन। यहाँ पर देखिए अब इस पॉन पर अटैक है, इस पॉन पर भी अटैक है किंग से। व्हाइट को लगा कि इस पॉन को बचाना सही रहेगा क्योंकि इस पॉन को तो बचा के कोई मतलब नहीं, व्हाइट चेक देता है उसके बाद इस पॉन को पुश करने की तैयारी करता है, ब्लैक होने थोड़ी देगा, ब्लैक यहाँ पे पहले चेक देगा वो भी, उसके बाद वो ये पॉन पुश करता है। काफी देर पुशिंग वुशिंग होने के बाद यहाँ पे क्वीन e5 ब्लंडर था, जो यहाँ पर आपको परपेचुअल देना है तो आप दे सकते हैं क्वीन e1 उसके बाद परपेचुअल दे सकते हैं,
आप F3 वगैरह प्रमोट कर सकते हैं और ये लाइन ड्रॉइश होती है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है और ये रैपिड गेम है तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को प्लेयर से कि वो इतने जल्दी इतना कुछ कैलकुलेट करे। व्हाइट तुरंत ही गलती करता है किंग G4 के साथ और यहाँ पर एक और मौका है व्हाइट के पास, अब ब्लैक के पास ड्रॉ करने का। ब्लैक खेलता है F3, कार्लसन ये पॉन दे रहे हैं क्योंकि जब भी वो परपेचुअल दे तो उनका पॉन बीच में ना है। अब देखिए परपेचुअल दिया जा रहा है और व्हाइट अपने किंग को सेफ रखता है इस तरह। काफी देर चेक होने के बाद यहाँ पर लास्ट चेक इधर दिया जाता है A8 पर। अब जब किंग B6 पर आ चुका है तो अब आप कहीं से चेक नहीं दे सकते, अब आपको रोकना ही पड़ता है इसको प्रमोट होने से। लेकिन यहाँ पर व्हाइट अब चेक देना स्टार्ट करता है फिर उसके देर। अब बस हमें क्वीन ट्रेड करनी है क्योंकि अब हम गेम जीत चुके हैं। B4 फाइनल ब्लंडर था, यहाँ पर खेला जाता है चेक और क्वीन D4 के बाद यहाँ पर कार्लसन रिजाइन कर देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट मूव में सिंपली ये पॉन जल्दी प्रमोट हो रहा है। ये एंड गेम देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपली क्वीन A8 चेक फोर्स्ड है किंग B1, किंग यहाँ पर आप D3 भी खेल सकते हैं और उसके बाद सिंपली क्वीन H1 मेट, क्योंकि जब भी बी और सेंटर के जितने भी पॉन होते हैं वो विनिंग होते हैं। अगर कोई भी ड्रॉइंग चांसेस क्रिएट होते हैं तो वो साइड के पॉन्स में होते हैं और ये एंड गेम विनिंग था वाइट के लिए। इसीलिए यहाँ पे कार्लसन ने रिजाइन कर दिया और काफी बढ़िया विक्ट्री थी नॉदिर बैक की। इतना ही नहीं, नॉदिर बैक ने टाई ब्रेक्स में नेपो को हराया और वो बन चुके हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियन। ब्लिट सेक्शन की बात करें तो वो आज होगा और देखते हैं आज क्या होता है।